जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो साथियों, आज बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, जो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पर्सन जो है दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले पर्सन है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना साथियों। दोस्तों, इसमें से जो है 4-5 सवाल एजिटीज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये हमारा वादा साथियों, और इस वादे पर हम खरे उतरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, राजस्थान के जो किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित हैं, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे राजस्थान के दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो है पिडमांट मैदान स्थित है। दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कहाँ है? दोस्तों, मेजा बांध जो है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों, बात करें अपन मेजा बांध के बारे में, तो दोस्तों ये जो है हमारे भिलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? भिलवाड़ा में। और किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी पर बना हुआ? तो दोस्तों, ये जो हमारे कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बना हुआ। दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, राजस्थान को जो है सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में जो है विभाजित किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की जो समस्या का जो समाधान है दोस्तों, ये हमारे है खेती में जिप्सम का उपयोग करना। क्या दोस्तों? खेती में जिप्सम का उपयोग करना ही मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में जो है स्टील ग्रेड चूना जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे राजस्थान में जो है जैसलमेर और नागौर जिले में जो है स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है बाड़मेर जो है सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला जिला। दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? तो दोस्तों, राजस्थान में जो है जनगणना 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता दर जो है जिस जिले की है दोस्तों, वो हमारे क्या है? दोस्तों, जालौर की जो है महिला साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है। दोस्तों सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित जो की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों, ये जो हमारे जयपुर में की गई, दोस्तों कहाँ पर की गई है? जयपुर में। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की जो शीर्ष संस्था है वो दोस्तों हमारे राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ है। दोस्तों, क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ जो ये हमारी संस्था है दोस्तों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों की। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, टेरीकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला स्थल मोलेला जो है वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे ये दोस्तों, मोलेला जो गांव है दोस्तों, ये हमारे राजसमंद में स्थित है। दोस्तों, कहां पर स्थित है? राजसमंद में। ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, लांगूरिया लोकगीत है। दोस्तों, लांगूरिया जो है ये लोकगीत है, विवाह गीत है, भक्ति गीत है, होली गीत है, या फिर दोस्तों प्रेम गीत है। तो दोस्तों, लांगूरिया जो है ये हमारे भक्ति गीत है। दोस्तों, क्या है? भक्ति गीत। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, गैर नृत्य जो है ये हमारे होली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ऑप्शन हमारे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भवई नाट्य के जन्मदाता थे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में भवई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, जो बागाजी है। क्या दोस्तों? बागाजी जो है ये हमारे भवई नाट्य के जन्मदाता थे। दोस्तों, ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा समुदाय का
प्रमुख उपासना स्थल कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों जो गलियाकोट है ये हमारे दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है दोस्तों, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो गोगा जी जो है ये हमारे राजस्थान के वह लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया दोस्तों। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों राजस्थान के लोक साहित्य में जो है जीण माता जो लोक देवी है दोस्तों, इनका जो गीत है ये सबसे लंबा है दोस्तों। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, केला देवी का मेला कब लगता है? तो दोस्तों केला देवी का जो मेला है दोस्तों ये हमारे कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है दोस्तों। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को जो है केला देवी का मेला लगता है। ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे दोस्तों जो ऑप्शन जो थर्ड है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि दोस्तों जो मरुउत्सव जो है ये हमारे जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, और ऊट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो किस प्रकार का आंसर होगा कि दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा हमारे ऊट उत्सव आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा दोस्तों मरुउत्सव आएगा सेकेंड नंबर पर, उसके बाद आएगा दोस्तों हमारे माउंट जो ग्रीष्म उत्सव है वो आ जाएगा दोस्तों, और इसके बाद आएगा हमारे सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों हमारे हाथी उत्सव। तो ऑप्शन हमारे जो फोर है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दामना नामक आभूषण जो है दोस्तों ये हमारे हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन हमारे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बटनेर किला स्थित है। दोस्तों बटनेर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बता दूं कि जो बटनेर का जो किला है ये दोस्तों हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो दोस्तों लोहागढ़ जो है ये हमारे भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक देवी मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारी करणी माता जो है यहाँ पर सफ़ेद चूहे और चूहे बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं, और ये दोस्तों ये जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटुओं की जो हवेली है दोस्तों ये हमारे जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो दोस्तों इसकी जो शैली है दोस्तों जोधपुर शैली है दोस्तों। क्या है? जोधपुर शैली। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। दोस्तों जयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली जो है उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में जो है मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वंश भास्कर का रचयिता कौन है? तो दोस्तों वंश भास्कर का जो रचयिता है दोस्तों ये हमारे सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों वीर विनोद नामक ग्रंथ के जो प्रणेता दोस्तों है वो हमारे श्यामल दास है दोस्तों। दोस्तों कौन है? श्यामल दास। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है दोस्तों ये हमारे 1994 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो है सन सिटी के नाम से दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? जोधपुर को। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चांद बावड़ी आबानेरी जो है दोस्तों ये हमारे दौसा जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? दौसा में। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन,
वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खम्भात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों ये जो है हमारी माही नदी जो है इसका जो उद्गम वो मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात वह खम्भात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन जो है दोस्तों ये हमारे डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारा वहाँ पर दोस्तों शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, सीटी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न मॉडल पेपर, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों। इसी तरह के हम कम से कम 20 मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों बाजरा जो है ये फसल हमारे इसके उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान पर है, राजस्थान भारत में। ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन हेतु जो गाय गाय की जो प्रसिद्ध नस्लें हैं दोस्तों ये हमारे थार पारकर और राठी है। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन दोस्तों ये हमारे गोटन में होता है। दोस्तों कहाँ पर होता है? गोटन में। गोटन कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो हमारे नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान सभ्यता के जो दोस्तों कालीबंगिया जो स्थल है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले प्रथम बार जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें जो गलत युग्म जो है मारवाड़, मारवाड़ आंदोलन के जो ये गलत हो जाएगा दोस्तों नैनूराम शर्मा। तो ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है ये दोस्तों हमारे गोगुंदा में हुआ। दोस्तों कहाँ पर हुआ? गोगुंदा में। ऑप्शन हमारे सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले जो शासक थे दोस्तों ये हमारे मिर्जा राजा जयसिंह थे। दोस्तों कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो दोस्तों बीकानेर का जो राय सिंह है कौन? दोस्तों राय सिंह जो है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। दोस्तों ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य का जो भरतपुर का जो किला दोस्तों जो कि लोहागढ़ है ये दोस्तों इस पर जो है अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया। दोस्तों ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, एजीजी जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर प्रस्त किया? तो दोस्तों ये जो है हमारे चेलावास जो स्थान है दोस्तों 18 सितंबर 1857 ईस्वी को यहाँ पर युद्ध युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध, इसलिए यहाँ पर जो है प्रस्त किया इस क्रांतिकारियों को अंग्रेजी इसकी एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो जिसकी सेना थी दोस्तों इन्होंने जो है क्रांतिकारियों को चेलावास के युद्ध में प्रस्त किया। दोस्तों ऑप्शन हमारे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने किसके नेतृत्व प्रदान किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो दोस्तों राजस्थान में एक ही आंदोलन को जो है दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने जो है नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों तो दोस्तों यहां का जो शासक था हमीर देव चौहान। तो दोस्तों कौन था? हमीर देव चौहान। ऑप्शन हमारे फोर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कामाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे ये जो है हमारे पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे
जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे हनुमानगढ़ जो है, यहाँ पर दोस्तों पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो है अवशेष पाए गए दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने राजधानी बनाया है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे चावंड, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या फिर दोस्तों कुंभलगढ़। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे जो दोस्तों चावंड है, इसको दोस्तों क्या दोस्तों चावंड जो है, चावंड को दोस्तों प्रताप ने जो है राजधानी बनाया दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का जो सर्वाधिक विकास है ये हमारे सवाई जो है राम सिंह है दोस्तों, इनके शासनकाल में जो है हुआ दोस्तों, ऑप्शन हमारे 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों? तो जो गंगा सिंह है दोस्तों, कौन? महाराजा गंगा सिंह जो है इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों, ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो दोस्तों जो नृत्य की जो कथक शैली है उसका जो आदिम घराना है वो दोस्तों हमारे जयपुर है दोस्तों, क्या है? जयपुर। तो ऑप्शन हमारे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो मॉडल पेपर है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना साथियों, जैसे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।